मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह का 9:30 बज गया है और मैं नहा धो के तैयार हो गया। मेरा ड्रेस देख के आपको शायद पता चल रहा हो कि हम कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए, तो पूजा करने के लिए एक्चुअली जा रहे हैं। तो वीडियो को बना रही हूँ, वीडियो का अंत देखिए। और वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा रहा। अभी मैं उतर रहा हूँ सीढ़ी से, जो कि अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो गाइस हम लोग अभी निकल चुके हैं हाथी केदार मंदिर। अभी हम लोग कहाँ पहुँचे मामू? अभी हम लोग जमशेदपुर पहुँच चुके हैं लगभग। हाँ, इधर मामू हम लोग का है, ये मामू का हम लोग बहुत रिक्वेस्ट करके इस बार लेके आए हैं। तो गाइस फिलहाल हम लोग जमशेदपुर टाउन पहुँच चुके हैं। जमशेदपुर में ये बिष्टुपुर क्रॉस कर रहे हैं अभी। तो गाइस हम लोग अभी फिलहाल पहुंच चुके हैं डिमना लेक अभी जस्ट क्रॉस किए हैं। फिर अभी हम लोग जाएंगे ये वाला गांव, कौन सा मामू? बादुड़ी गांव पार किए हैं। उसके बाद फिर हम लोग पटमदा घुसेंगे और पटमदा से लेफ्ट होते हुए फिर चलेंगे अपना हाथी खेदा मंदिर, तो वहां पे चलेंगे। फिर वहां चल के आपसे बात करते हैं। अभी फिलहाल मैं रास्ते का कुछ सीन ले लिया हूं जो कि आपको देखने में बहुत ही जबरदस्त लगेगा। हाय कर दीजिए सही भैया। हाय गाइस, दोस्त लोग हैं। हाय गाइस, तो आप देखते रहिए वीडियो में, मजा लेते रहिए। और शायद मामू सही बोल रहे हैं, पहुंचेंगे एकदम हाथी कदम मंदिर, आपसे बात करेंगे। और वो तो गाइस यहाँ पे मंदिर पहुँचने से इस तरह का एंट्रेंस कुछ देखने को मिल गया है। मंदिर का जो मेन गेट है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और यहाँ पे साइड में मंदिर का फोटोज और वहाँ पे मूर्ति का जो भी है वो फोटोज बिक्री हो रहा है, बेच रहा है। तो यहाँ पे और एक बात बता दूँ कि यहाँ पे जो मन्नत दिया जाता है, जो बलि दिया जाता है, वो भेड़ का ही बलि चढ़ता है। तो गाइस फिलहाल हम लोग हाथी कदम मंदिर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हम लोग आके देखे कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, जो कि उम्मीद से ज़्यादा है। तो देखिए चारों तरफ आपको भीड़ बहुत ही ज़्यादा दिखाई देगा और हम लोग को भी पूजा करना है। एक्चुअली हम लोग का थोड़ा देरी हो गई यहाँ पे पहुँचते। तो अगर आपको भी कभी भी यहाँ पे हाथी कदम मंदिर आने का प्लान करते हैं तो एक कोशिश कीजिए कि सुबह आने का। तब क्या हुआ कि आपको इतना ज़्यादा भीड़ हो सकता नहीं मिला। संडे को तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहता है और आज संडे है, संडे में हम लोग घूमने का आ गए यहाँ पर पूजा करने के लिए। देख सकते कितना भीड़ है चारों तरफ से, उनका दर्शन करने के लिए आए हैं। और भगवान का दर्शन ऐसे ही नहीं हो जाता है, वहाँ से भगवान का बुलावा होना चाहिए। अभी हम लोग पूजा नहीं कराए हैं, देखते अभी पूजा करा लेते हैं जल्दी से, फिर उसके बाद फिर वीडियो बनाते हैं आपको। तो आज अभी हम लोग पूजा करने के लिए लाइन पर खड़े हैं और अभी प्रसाद भी हम लोग ले चुके हैं यहाँ पर। और अभी हम लोग देखिए बहुत ही लंबा लाइन है पीछे, आप देख सकते कितना लंबा लाइन। ये यहाँ पे मन्नत के लिए चारों तरफ बांधा हुआ है देखिए नारियल, जो कि यहाँ पे जो भी आता है ज़्यादा से ज़्यादा आदमी मन्नत ही मतलब करते हैं और पूजा कराते हैं, जो कि वो मन्नत जो भी करके आते हैं पूरा भी होता है। ये सब पेड़ में सब नारियल बना हुआ है, मन्नत किया हुआ है, तो सारा मन्नत यहाँ पे पूरा भी होता है। यहाँ पे हाथी के ठाकुर की कृपा से देखिए। तो अभी लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं पूजा की तरफ, मंदिर की तरफ, भगवान की तरफ। ये देखिए पीछे मन्नत तो मैं एक बार दिखाई चुका हूँ और एक बार मैं दिखा रहा हूँ, कितना जबरदस्त दिख रहा है देखिए कितना अच्छा से। और लाइन भी यहाँ से बहुत दूर तक है, देखिए मंदिर पीछे मंदिर है। तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक भी जगह ऐसा खाली नहीं है जहाँ पे नारियल नहीं बना हुआ है। यहाँ पे जितना पेड़ है सब में तो बना हुआ ही है। यहाँ पे रेलिंग दिया हुआ है जो सीढ़ी में, वो सारा रेलिंग में भी नारियल बंधा हुआ है चारों तरफ से, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। एक्चुअली मामा को बहुत ज़्यादा धूप लग रहा है, कहाँ जा रहा है रास्ता पता नहीं चला। हम लोग फिर देखते हैं, धूप भी बहुत ज़्यादा है अभी, बहुत ही ज़्यादा है अभी। कितना बज रहा है टाइम, क्या हो रहा है? पूरा एक बज रहा है अब, धूप भी बहुत ज़्यादा है। अभी हम लोग आराम से लाइन पर खड़े हैं, धूप लग ही नहीं रहा, हम लोग को पता ही नहीं चला, धूप पता चल रहा है पता नहीं चल रहा है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का।
गाइस फाइनली हम लोग अभी पूजा करा चुके हैं और पूजा करके निकल गए हैं और हम लोग का 2:30 बज रहा है अभी, तो लगभग आधा घंटा 45 मिनट में हम लोग का पूजा कंप्लीट हो गया है अभी यहाँ पे। तो दोस्त लोग आगे निकल चुका है गाइस, जैसे कि यहाँ पे पूजा होता है यहाँ पे हम लोग पूजा कराए हैं देख रहे हैं। तो दोस्त लोग आगे निकल चुका है, मैं उन लोग को थोड़ा ढूंढ लेता हूँ किधर है, क्योंकि यहाँ पे आगे भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो चलिए चलते हैं फिर आगे बढ़ते हैं और बने रहिए वीडियो पे। वीडियो पे अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा। एक जगह है जमशेदपुर से हाथीकदा आने में पटंदा वाला रूट में है, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह, बहुत ही अच्छा जगह। हम लोग बहुत दिन से आने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं हो पा रहा था, तो फाइनली आज आगे हम लोग पूजा करा लिया। हम आज अभी हम लोग यहाँ पे खड़ा हो गए हैं और फोटो खींच रहे हैं। फोटो जैसे बहुत ही जबरदस्त था वहाँ पे दिखा हो, वहाँ पे बहुत ही जबरदस्त था, पहाड़ी दिख रहा है, पहाड़ी का नज़ारा जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे, तो नेचर का। अब तो गाइज फिलहाल हम लोग पूजा करके आ गए हैं हाथीकदा मंदिर से। अभी खूबसूरत सा यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त सा नज़ारा दिखा हम लोग को, तो मैं सोचा कि यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों के लिए दिखाऊँ कितना खूबसूरत सा जगह है यहाँ पे हम लोग का। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, और हम लोग यहाँ पे इसलिए वीडियो बना रहे हैं कि आप लोग देखिए और मजा लीजिए इस जगह का। यहाँ पे हम लोग का गाड़ी खड़ा है और हम लोग फिर वहाँ पे मेरा दोस्त भी खड़ा है, तो वो वीडियो का पोज में अपना अभी खड़े हैं। यहाँ पे जो पहाड़ी दिख रहा है दलमा का पहाड़ है और नहीं दिख पाएगा, तो इधर भी पहाड़ी है और उधर भी पहाड़ी है, दोनों तरफ से पहाड़ी है। और वीडियो में आप लोग मजा लीजिए, तो हम लोग अभी फोटोशूट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, तो बने रहिए वीडियो पे। I'm gonna go to the hospital.